हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 15 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 10 ऑन डिमांड है ये, क्योंकि ऑलरेडी प्री बोर्ड्स आपके आने वाले हैं और जो बच्चे थोड़ी तेजी से कर सकते हैं वो अपना टिग्नोमेट्री के साथ साथ प्रोबेबिलिटी की वीडियोस देखकर भी आप अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या जो भी आपके डाउट्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो ये आज हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रोबेबिलिटी चैप्टर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, इस चैप्टर की बहुत खासियत है कि ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा, अगर बात की जाती है प्रोबेबिलिटी की, जब भी आप कोई चीज वर्ड पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी से, कि किसी भी को काम करने की क्या पॉसिबिलिटी रहती है। अगर बात की जाए कि आपके 10th में 90% से ऊपर मार्क्स आने वाले हैं, तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो आपके 90% से ऊपर आपके नंबर आएंगे या फिर उससे कम आएंगे, है या नहीं है। तो अगर 90 से ऊपर परसेंटेज आपकी आती है तो आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि ये आपके हित में है। लेकिन अगर आपकी 90 से नीचे आती है तो ये अनफेवरेबल है, क्योंकि आप जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कंडीशन आती है प्रोबेबिलिटी की, वो पॉसिबिलिटी होती है आपकी फेवरेबल और नॉन फेवरेबल केसेस को अगर ऐड किया जाता है तो वो आपकी बनती है टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हर कंडीशन में सिर्फ 1 होती है, ठीक है। और जो केसेस होते हैं फेवरेबल और नॉन फेवरेबल, वो क्या होते हैं, लेस देन 1 होते हैं, जो आप धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो गिवन है बेटा कि व्हाट इज द रेंज इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ आर रैंडम एक्सपेरिमेंट लाइज, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी का जो सीखने का तरीका होता है, वो होता है कि आप जो भी वर्ड्स है उनको क्लियर रखिए अपने माइंड में कि वो क्या आपसे पूछ रहा है। रैंडम होता है बेटा कि मतलब बिना सोचे समझे, रैंडमली, कि कोई भी चीज रैंडमली सेलेक्ट कर दिया। कि मैं अगर कहीं पर गई और मैं बहुत लेट हो रही थी लेकिन मुझे वो चीज खरीदनी थी, तो जस्ट रैंडमली मैंने कहा कि चलिए ठीक है जो है यही वाला दे लो। ऐसे करते हैं ना हम बहुत बार, कि मतलब चूज नहीं करते हैं, रैंडमली कोई भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो ये बोलता है कि ऑलरेडी कि वो क्या रेंज होगी जिसमें रैंडमली अगर आप कोई चीज सेलेक्ट करें तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इन दैट कंडीशन बेटा, यहाँ पर आपकी कंडीशन आती है कि जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी। कुछ भी चीज सेलेक्ट करते हैं, अगर x मान लें कि लेट x आप सेलेक्ट करते हैं कोई भी चीज, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी जो उसकी सिलेक्शन जो है वो कहां पर होना चाहिए, या तो वो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए। तो जो हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी है वो कहां किस रेंज में घूमती है, वो इस रेंज के अंदर अंदर घूमती है। इसलिए अगर आपका कभी भी आंसर 1. समथिंग जाता है, 1.2, 1.3 या 2.5, तो आपको वहीं पर समझ जाना है कि आपका आंसर गलत है, ठीक है। कभी भी प्रोबेबिलिटी आपकी मोर देन 1 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या आया है, परफेक्ट स्क्वायर कंपोजिट नंबर। ध्यान से इस चीज को सुनिए, ये सिर्फ आपको बोलने से ही कंफ्यूज करेगा। परफेक्ट स्क्वायर कंपोजिट नंबर, ओके बेटा। यहां पर आपने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर कंपोजिट नंबर। डाइस आप सबको पता है कि जो आप कि लूडो में डाइस फेंकते हैं जिसे, उसको डाइस बोलते हैं, और उसको क्या होता है, उसके 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो या बोल सकते हैं टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो आपकी क्या है, कि या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर आपका 6 आएगा, इनमें से एक नंबर आने वाला है। अगर आप लूडो खेल रहे हो और अगर आप एक डाइस फेंकते हैं
तो आपका इनमें से ही कोई नंबर आएगा। तो ये क्या है, आपका टोटल है, क्या है आपका टोटल पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद आपको बोलता है कि परफेक्ट स्क्वायर कंपोजिट नंबर, यहाँ पर दो चीजें हैं ठीक है जो आपको देखनी है। ये आपको बोलता है कि ये आपका फेवरेबल है, कि मतलब अगर इससे चीज रिलेट करेगी तो आप जीत जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, वो है आपका 4, क्योंकि 2 की अगर स्क्वायर किया जाए तो 2 2 4 होता है, जो ऑलरेडी मैं अपने सीड एकेडमी के चैनल में जो आपका स्क्वायर रूट चैप्टर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 है वो आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर 4 पहला मिल गया, लेकिन उसके साथ उसने क्या किया, एक कंडीशन और लगा दी। उसने बोला वो कंपोजिट नंबर भी होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती है ये आपको पता होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं ठीक है। क्या होंगे फैक्टर्स, क्या है, 2 से ज्यादा होंगे। अगर यहाँ पर ऑलरेडी 4 है तो 4 की बात की जाए तो 4 का आपको पता है 1 तो सबका होता ही है, तो 1 तो पहला फैक्टर हो गया। उसके बाद आप देखते हैं कि 2 की टेबल में भी 4 आता है, 2 2 4 होता है, और आपका 4 इटसेल्फ भी एक फैक्टर है ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 2 है, यहाँ पर 1 और 4 भी इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर बेटा आप देखेंगे कि ये मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये क्या करता है, कंपोजिट नंबर की भी कंडीशन को फुलफिल करता है ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दोनों कंडीशन है वो सिर्फ एक ही नंबर के साथ फुलफिल होती है, और वो नंबर है आपका 4 ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन अब यहाँ पर ये बनती है कि सिर्फ आपका अगर 4 आता है तो ही आप जीतेंगे, नहीं तो आप नहीं जीतेंगे ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी में मान लेती हूँ कि आपकी क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा अगर आपको उसको निकालना है तो उसमें होता है कि आपकी जो फेवरेबल केसेस है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, या नंबर केसेस ना लिख के आप लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं, आप आपके आउटकम्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर आपके आउटकम्स मैं लिख रही हूँ, और यहाँ पर भी आप आउटकम्स लिख सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, सिर्फ एक 4 है कि अगर एक सिर्फ 4 आता है तो ही आप जीतने वाले हैं, तो ये कितने हो गए, 1 हो गया। और टोटल आपके आपको कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आ सकती है, टोटल कितने हैं, वो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 1/6 आपकी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनती है कि परफेक्ट स्क्वायर कंपोजिट नंबर की ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, आपको बहुत समझ के और आराम से अपना आंसर निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिन बच्चों ने भी प्लीज मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है प्लीज कीजिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब और कमेंट मुझको बहुत मोटिवेट करते हैं आपकी हेल्प करने में और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने में। और जो बच्चे मुझसे अभी जुड़ रहे हैं प्लीज बेटा अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपको अभी हमने डाइस पढ़ा एक और, उसके बाद डाइस आ गया है, फिर से हमें डाइस ही खेलना है। तो यहाँ पर आज ये पूरी हमें लूडो खिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर बेटा वो बोलता है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, कितनी बार फेंका गया डाइस, एक बार फेंका गया ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अन इवन कंपोजिट नंबर ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है बेटा, इवन कंपोजिट नंबर, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि जो पॉसिबिलिटीज है वो आपकी कौन सी है, कौन कौन से डाइस में नंबर आते हैं, 1 आता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 नंबर टोटल पॉसिबिलिटीज है हमारे ठीक है, टोटल आउटकम्स है। उसके बाद ये बोलता है इवन नंबर, अगर इवन की बात करती हूँ मैं तो इवन में आपको ऑलरेडी पता है इवन नंबर में क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं या 2 के जो फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पर 2, 4 और 6 आपके इवन नंबर है। और अगर बेटा कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो कंपोजिट नंबर क्या है, यहाँ पर जो 2 है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जो 2 है उसके जो फैक्टर्स है वो क्या है, 1 और सिर्फ 2 है। लेकिन हमें क्या है, कंपोजिट नंबर में आपको मोर देन 2 चाहिए।
और फोर की बात की जाए तो फोर में आपके फैक्टर्स वन टू और फोर है, और अगर सिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर फैक्टर्स आपके वन टू थ्री और सिक्स है या नहीं है। तो यहाँ पर ये जो होता है कि मोर देन टू नहीं हुआ तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर कौन से हुए, फोर एंड सिक्स हुए सिर्फ, ठीक है। और इन दोनों में से कॉमन निकाला जाएगा तो आप देख रहे हैं कि सिक्स इसमें भी है और इसमें भी है, फोर इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन इवन कंपोजिट नंबर की कंडीशन कौन कौन फुलफिल करेगा, फोर और सिक्स करता है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी इवन कंपोजिट नंबर की वो आपकी क्या आती है, कितने हम लोगों के चांसेस बनते हैं, टू बनते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके, सिक्स है। तो आपका आंसर आ जाता है बेटा 1/3, आपकी प्रोबेबिलिटी होती है कि इवन कंपोजिट नंबर की 1/3, क्योंकि आपकी फेवरेबल केसेस सिर्फ दो है और आपके टोटल आउटकम्स आपके सिक्स है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, आप प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको कोई भी इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू।